बांग्लादेश में तख्तापलट होता है तो शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ता है, और दूसरी तरफ कट्टरपंथी हिंदू इलाकों में जाकर की आगजनी और तोड़फोड़ करने लगते हैं। पूरे बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। हालात कितने खराब, उसको इस बात से समझिए कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन में बांग्लादेश के हालात की जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने भी बांग्लादेश में हिंदू परिवारों और मंदिरों को लेकर के चिंता जाहिर की थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। घरों में आग लगाई जा रही, दुकानों को लूटा जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है। हिंसा पर उतारू कट्टरपंथी भीड़ हिंदुओं की जान के पीछे पड़ गई। सवाल ये कि हिंदुओं पर हमला, मंदिरों पर हमला, बांग्लादेश में जारी हिंसा की ये तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे वहां हिंदुओं के घरों में लूटपाट की जा रही है, हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर बांग्लादेश के फिरोजपुर की, जहां एक हिंदू शख्स विश्वजीत मंडल के घर और उसके खेत में आग लगा दी। इस दौरान पूरा घर धू धू कर जलता नजर आया। आग की लपटें इतनी तेज कि उस पर काबू पाने के लिए उसके करीब जाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। वहीं लपटों से उड़ता धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वहां हिंदू इलाकों में ऐसी चीख पुकार मची कि उसे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो। खौफ में जी रहे हिंदू सवाल पूछ रहे हैं कि वो जाए तो जाए कहां। कट्टरपंथियों ने वहां हिंदुओं के घरों में ऐसी तबाही मचाई कि पीड़ित परिवार रोते बिलखते दिखे। घरों में रखे सामान को पूरी तरह से तोड़ दिया, घर के हर कोने में जमकर तोड़फोड़ की, घरों में बने मंदिरों को भी निशाना बनाया। बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदुओं के रिहायशी इलाकों में भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान हिंदुओं के घरों को जला दिया गया और जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद हिंदू समुदाय वहां अपनी जान की हिफाजत की गुहार लगाता नजर आया। मिचिल दिए जावा समय उल्टो दिक থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান আমার ভাই একজন ডাক্তার ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাই চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতে যে ঘরে। বাংলাদেশ কি 1,30,00,000 কি হিন্দু আবাদী ইস বাত সে সহমি হুই কি আব উনকা ক্যা হো, ক্যা উনহে বাংলাদেশ ছোড়না পড়ে, ক্যা উনহে ভারত মে শরণ লেনি পড়ে। ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के घरों के साथ वहां उनकी दुकानों को भी लूटा जा रहा है और उन्हें वहां से भागने को मजबूर किया जा रहा है। हिंदू इलाकों में मौजूद सब्जी मंडियों को भी वहां उपद्रवियों ने निशाना बनाया। इस दौरान जिसके हाथ जो लगा वो लूट कर भाग गए। वहीं काली माता मंदिर को तोड़ दिया, जबकि मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर भी कट्टरपंथियों ने हमला किया। मंदिर में भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया और मंदिर को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान मंदिर के अंदर भगवान बलभद्र और जगन्नाथ की मूर्ति जली हुई हालत में नजर आई। पूरा मंदिर राख का ढेर बन गया और पुजारी भगवान की तलाश करते नजर आए। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में 27 जिलों में मंदिरों पर हमले किए गए। बहुत सारे जगहों से हमें खबर मिल रही है कि जो हिंदुओं के घर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्मादी भीड़ उनके दरवाजों को तोड़कर घर में घुसने का प्रयास कर रही हैं। महिलाएं बच्चे चित्कार कर रहे हैं।
मैं यही अपील करना चाहूँगा हमारी सरकार से कि इसके इसको रोकने के लिए वो कदम उठाए, उनकी जो हिंदुओं की जो आवाज़ है उसको उठाए और कुछ निर्णायक कदम ले ताकि हमारे हिंदू जो भाई बहन है बांग्लादेश में वो बच सके। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को जल्द से जल्द रोकने की मांग। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के पीछे वहां की कट्टरपंथी राजनीति। पूरे विश्व के सभ्य समाज का, सिविल सोसाइटी का यह कर्तव्य है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। वह बांग्लादेश को कहें कि यह उचित नहीं है, और क्योंकि हम इमीडिएट नेबर हैं, भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है कि वो वहां की माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। क्योंकि शेख हसीना के विरोधी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, पाकिस्तान समर्थक और बीएनपी वहां जमात इस्लामिया को समर्थन करती, जिसका हिंदुओं पर हमले का पुराना इतिहास रहा, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन जाए, क्या बांग्लादेश नया पाकिस्तान बन जाए, क्या बांग्लादेश में हालात अफगानिस्तान जैसे हो जाएंगे, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं को कौन बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।